Bismillahirrahmanirrahim. बहुत मेहरबानी बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया मेहरबानी शुक्रिया मेहरबानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुक्रिया बहुत शुक्रिया मेहरबानी जनाब कायदे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमारा सबका फखर जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब आज हम में मौजूद नहीं है लेकिन मैं उनको भी मुखातिब करना चाहती हूं और राजा जफरुल हक साहब जनाब इसहाक दार साहब मुस्लिम लीग नून के चारों सूबों की क्यादत गिलगित बल्तिस्तान की क्यादत आजाद जम्मू कश्मीर की क्यादत सीनियर लीडरशिप जो स्टेज के ऊपर है और स्टेज के नीचे बैठी है मेरे भाइयों बुजुर्गों नवाज शरीफ के शेरों अस्सलाम अलैकुम और नवाज शरीफ की शेरनियों अस्सलाम अलैकुम आप सबकी मोहब्बत का शफकत का आपने जो मरियम नवाज शरीफ को अपनी बेटी को बहन को इज्जत दी मान दिया मैं तहे दिल से दिल की गहराइयों से मैं आप सबका सर झुका के शुक्रिया अदा करती हूं और सब जो हमारे कायदीन नीचे बैठे हैं हमारे वर्कर्स मियां साहब के सिपाही मैं सबको मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूं मुस्लिम लीग नून के वो सपोर्टर्स और वोटर्स और शेर जो यहां मौजूद हैं जो यहां मौजूद नहीं हैं मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि मुश्किल दौर में जुल्म और इंतकाम के इस दौर में जिस तरह आपने मरियम नवाज शरीफ का साथ दिया जिस तरह आपने वालिद की और भाइयों हसन और हुसैन की कमी महसूस नहीं होने दी मैं ता जिंदगी आपकी शुक्रगुजार रहूंगी और सबसे पहले मैं परवेज रशीद साहब को जरा काइंडली खामोशी से सुनेंगे ताकि हम आराम से बात कर लें कुछ जरूरी बातें करनी है मैं ये भी देखना चाहती हूं कि मुस्लिम लीग नून का कारकुन और चाहने वाला मेरी बात मानता है या नहीं मानता काइंडली तशरीफ रखेंगे प्लीज मैं देखती हूं मानते हैं या नहीं मानते फिर बैठे तशरीफ रखें बहुत शुक्रिया इसी तरह आपने मेरी अर्ज भी सुननी है और इसी तरह आपने कायदे मोहतरम की तकरीर भी सुननी है क्योंकि बातें बहुत जरूरी हैं दिल की बातें करनी है मैं परवेज रशीद साहब से मुखातिब होकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हर सपोर्टर हर रहनुमा की जानिब से मैं उनको दरख्वास्त करती हूं कि जिस तरह उनको जुल्म और इंतकाम का निशाना बनाया गया मैं उनसे ये दरख्वास्त करती हूं कि मेरी जगह स्टेज पर आकर बैठें प्लीज परवेज रशीद साहब तशरीफ लाइए बैठ जाएं प्लीज
परवेज रशीद साहब को मैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये कहना चाहती हूँ कि भले आपके साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, फाउल प्ले हुआ, आपको नवाज शरीफ का साथ देने पर, आईन और जमहूरियत के लिए आवाज उठाने पर भले ही आपको नाअहल कर दिया गया, लेकिन मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला आखिर तक आपके साथ खड़ी रहेगी। इसी तरह हमारे जिस भी कारकुन के साथ, जिस भी लीडर के साथ ज्यादती होगी, जमात और लीडरान इंशाअल्लाह ताला उनके साथ खड़े होंगे। मेरे शेरों और शेरनियों, मैं दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करना चाहती हूं। मैं इस बात की मुबारक पेश करना चाहती हूं कि आपको कोई डरा नहीं सका। मैं इस बात की मुबारक आपको पेश करना चाहती हूं कि आपको कोई धमका नहीं सका। मैं इस बात की आपको मुबारकबाद पेश करना चाहती हूं कि कोई आपको झुका नहीं सका। मैं इस बात की मुबारक आपको पेश करना चाहती हूं कि कोई आपको अपने रास्ते से, आईन के रास्ते से, जमहूरियत के रास्ते से भटका नहीं सका। और मैं इस बात की आपको मुबारक पेश करना चाहती हूं कि कोई आपको अपनी जमात से और अपने महबूब लीडर मोहम्मद नवाज शरीफ से जुदा नहीं कर सका। मैं अपने बेटा, एक मिनट देखो, बात सुने, बैठ जाओ बैठ जाओ, इकट्ठे नारे लगाएंगे, बड़े मौके आएंगे इंशाल्लाह। जितने हमारे एमएनए साहिबान, मेंबर्स नेशनल असेंबली यहां पर मौजूद हैं, मैं सबको दोनों हाथ उठा के खराज तहसीन पेश करना चाहती हूं कि हमारे 83 के 83 अरकान ने नवाज शरीफ के बयानी एक तलब बैक कहा और तमाम अरकान ने नवाज शरीफ की साहब के कहने पर, जमात के कहने पर डिसिप्लिन का मुजाहरा किया और यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट डाला। तो मैं आप सबको शाबाश भी देना चाहती हूं, आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूं। देखें, पाकिस्तान ने बहुत कड़ा वक्त भी देखा है, हमने डिक्टेटर्स भी देखे हैं, आमरों का दौर भी देखा है, लेकिन जुल्म और इंतकाम और जबर और धौंस और धांधली और जो दौर हमने अब देखा है, जिस दौर से पाकिस्तान अब गुजरा है और जो जुल्म और इंतकाम इन्होंने बेहिसी और ढिटाई के साथ किया है, उसकी मिसाल 73 सालों में नहीं मिलती। लेकिन आफरीन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर, स्टेज पर बैठे हर लीडर के ऊपर, हर जमात के कारकुन के ऊपर, कि उन्होंने नवाज शरीफ का सर झुकने नहीं दिया। इनका ख्याल था कि नवाज शरीफ जैसे अवामी वजीर आजम को एक झूठे इकामे पर ये उठाकर इक्तदार से बाहर फेंकेंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून टूट जाएगी। इनका ख्याल था कि पनामा जैसे झूठे मुकदमे में, जिसकी गवाही खुद जजेस देकर गए हैं कि नवाज शरीफ के साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, हमने झूठे फैसले दिए, ये सोच रहे थे कि नवाज शरीफ को उन झूठे मुकदमों में सजाएं देकर और जेलों में फेंककर हम मुस्लिम लीग नून को तोड़ लेंगे। ये समझते थे कि शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज को, मरियम नवाज को, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को और साद रफीक साहब को, एहसन इकबाल साहब को और ये जो कामरान माइकल साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब को, सलमान रफीक साहब को, मिफ्ता इस्माइल साहब को, हनीफ अब्बासी साहब को, राणा सनाउल्ला शेर पंजाब को, राजा कमरुल इस्लाम को, हाफिज नुमान साहब को, मुदस्सिर कयूम नारा को, लंबे नाम है, ये सोचते थे कि इनको जेलों में झूठे मुकदमात में डालकर हम मुस्लिम लीग नून को तोड़ लेंगे। लेकिन अल्लाह ताला की लाठी
मुस्लिम लीग नून नहीं टूटी, मुस्लिम लीग नून का एक भी कारकुन वोटर लीडर नहीं टूटा और मुस्लिम लीग नून को तोड़ने वाले खुद टूट रहे हैं। कहते थे ना, एक मिनट, कहते थे कि नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ बहुत भारी है, कौन उठाएगा? तो नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ भारी था, लेकिन नवाज शरीफ के हर कारकुन ने उस बयानिए का बोझ उठाया। शाबाश, ना सिर्फ उसका बोझ उठाया बल्कि उसकी इज्जत रखी, उसका मान रखा, और आज अल्लाह ताला के फजल व करम से नवाज शरीफ के बयानिया, आज उसका डंका पूरे पाकिस्तान में बज रहा है। आज नवाज शरीफ का बयानिया, रेड़ी वाला भी वही बोल रहा है, कारोबार वाला भी वही बोल रहा है, ताजिर भी वही बोल रहा है, सनतकार भी वही बोल रहा है, सियासी जमातें भी वही बोल रही हैं, घर की खवातीन भी वही बोल रही हैं, बाकी सब बयानिए झूठे बयानिए अपनी मौत आप मर गए। और एक बयानिया जो सर चढ़ के बोल रहा है, उसका क्या नाम है? वोट को इज्जत दो। और न सिर्फ ये कि नवाज शरीफ साहब के बयानिए का डंका बज रहा है, बल्कि हर शख्स झोली उठाकर, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम झोलियां उठाकर इमरान खान को बददुआएं दे रहे हैं और कह रहे हैं अल्लाह नवाज शरीफ को वापस लेकर आ, अल्लाह ताला नवाज शरीफ को वापस लेके आ, ताकि मुल्क की तरक्की इंशाअल्लाह ताला उसका पहिया फिर से चले। और नवाज शरीफ का कारकुन ना डरता है, ना झुकता है, ना बिकता है, और किसी भूल और गलत फहमी में मत रहना कि नवाज शरीफ का वोटर और सपोर्टर सिर्फ वोट डालने के लिए इलेक्शन के दिन निकलता है। नवाज शरीफ का वोटर जाग गया है। डस्का में, वजीराबाद में आपने देखा कि नवाज शरीफ का वोटर न सिर्फ वोट को इज्जत दो के बयानिए पर अमल करता हुआ, पोलिंग स्टेशंस में पोलिंग जो इनकी धांधली थी, जितनी भी इन्होंने फायरिंग की खुलेआम, और इन्होंने वोटर्स को डराया, धमकाया, वोटिंग स्लो रखी, पोलिंग स्लो रखी, थैले उठाकर भाग गए, और वोटर्स की, शेर के वोटर्स की माशाल्लाह लाइनों पर लाइनें लगी हुई थीं। तो ये भूल और गलत फहमी मेरा ना रहना कि नवाज शरीफ का वोटर और सपोर्टर वो पुराना वोटर और सपोर्टर है, या नवाज शरीफ का कारकुन डर जाएगा, हट जाएगा। नवाज शरीफ का कारकुन अब जाग भी गया है, और नवाज शरीफ का कारकुन ना तुम्हें आवाम की जेबों पर डाका डालने देगा, ना आवाम के वोटों पर डाका डालने देगा। और मैं ये भी कहना चाहती हूं कि जिस तरह नवाज शरीफ के वोटर और मुस्लिम लीग नून के वोटर ने जलसों का और जो इंतखाबात का कल्चर बदला है, मैं अपनी आंखों से देखती हूं। अब यकीन जानो, मुस्लिम लीग नून के जलसों में पहले कभी ये देखते थे कि लंबी कुर्सियां लगी होती थीं, कितारें होती थीं, जिसमें कारकुन और अवाम आकर बैठती थी, झंडा भी कोई नहीं उठाता था। आज मुझे किसी भी जलसे में, किसी भी रैली में ना कोई स्टेज नजर आया, ना कोई कुर्सी नजर आई। अगर नजर आई तो नवाज शरीफ का कारकुन नजर आया, अवाम नजर आई, शेर नजर आए, और घंटों खड़े हुए नजर आए मुझे।
तो मुस्लिम लीग नून का कल्चर भी चेंज हो रहा है, कल्चर भी तब्दील हो रहा है। और नवाज शरीफ साहब को मैं ये बताना चाहती हूँ, नवाज शरीफ साहब, के मुस्लिम लीग नून में अब नून जो है ना नवाज शरीफ के लिए तो है, लेकिन नून अब नजरिए के लिए भी है माशाल्लाह। और फिर मैं जो नौशहरा में हमें हमारा शेर जीता है माशाल्लाह, मैं उसको भी मुबारकबाद देती हूँ, नौशहरा के आवाम को भी मुबारकबाद देती हूँ कि शाबाश, आपने अपने मुखालिफ के घर में घुस के उसको मारा है। लेकिन ये बात याद रखना, मुस्लिम लीग नून के मेरे भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, ये बात याद रखना, अगर पाकिस्तान का जो इस वक्त मंजरनामा है, पॉलिटिकल लैंडस्केप है, अगर वो अल्लाह ताला के फजल से उसको बदलने का सेहरा अगर एक इंसान को जाता है, उसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। याद है जब मियां साहब ने गुजरावाला में तकरीर की, तो हमारी जमात के बहुत सारे अराकीन ऐसे थे जो हक्का बक्का रह गए और एक दूसरे को देखते रहे, उनको समझ ही नहीं आई मियां साहब ने क्या कहा। लेकिन याद रखो, अगर मियां साहब बहादुरी ना दिखाते, अपनी जान पर तकलीफें सहकर, अपने खानदान पर तकलीफें सहकर आपका परचम बुलंद ना करते, तो आज जमहूरियत और वोट को इज्जत दो का नाम लेवा पाकिस्तान में कोई ना होता। ये 73 साल से जो गेम खेलते आए, ये इसलिए खेलते आए कि कभी किसी ने इनका नाम नहीं लिया और कभी किसी ने इनके आगे रुकावट पैदा नहीं की। लोग डर जाते थे, झुक जाते थे, मजबूर हो जाते थे, लेकिन नवाज शरीफ ने कैद भी बर्दाश्त की, अपनी वाइफ की रहलत भी बर्दाश्त की, अपनी बेटी का जेल जाना भी बर्दाश्त किया, अपनी माँ की मौत भी बर्दाश्त की, उनको यहां पर आकर दफना नहीं सके, सारी मुश्किलात अपने सीने पर झेली, लेकिन अवाम का सर झुकने नहीं दिया। और आज ये उसी का समर है कि उनको कहना पड़ रहा है कि हमें सियासत में मत घसीटो, हम सियासत में नहीं हैं। ये तभी हुआ जब आपके शेर लीडर ने जुर्रत और बहादुरी दिखाते हुए उन्होंने फुल टॉस और यॉर्कर्स पर छक्के लगा के गेंद स्टेडियम से बाहर फेंकनी शुरू की। और जिसको कहते थे उसकी सियासत खत्म हो गई, जिसको कहते थे नवाज शरीफ गरूब हो रहा है, तो मैं अल्लाह ताला से डर कर आजी से ये बात कहती हूं कि वो लंदन में बैठा नवाज शरीफ, जिसको तुम कहते थे कि उसकी सियासत खत्म हो गई है, उसने लंदन से बैठकर ताकत के ईवान हिलाकर रख दिए। नवाज शरीफ और हमारा लीडर अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेंड सेटर। जब वो बहादुरी दिखाता है तो मुल्क की सियासत का मंजरनामा बदल देता है। जब वो फैसला करता है कि अवाम को सफर की सहूलियात मिलनी चाहिए, तो मोटरवेज बना देता है, ऑरेंज ट्रेन्स बना देता है, रैपिड बस सिस्टम बना देता है, एक्सप्रेस वेज बना देता है। जब वो फैसला करता है कि 22-22 घंटे की लोड शेडिंग खत्म करनी है, तो 3 साल के अंदर अंदर जिन्नात की तरह दिन रात काम करके अपनी टीम के साथ सनतें लगाकर, कारखाने, बिजली पैदा करने वाले कारखाने लगाकर 22 घंटे की लोड शेडिंग भी खत्म करता है। और जब वो देखता है कि डिक्टेटर्स के दिए हुए तोहफे, पाकिस्तान के हर गली कूचे में बारूद की बू आ रही है और यहां पर ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं
اور پاکستان دہشت گردی کی بھین چڑھ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہادری کے ساتھ ضرب عزم لڑتا ہے, رد الفساد لڑتا ہے اور پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کرتا ہے. جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ گروتھ ریٹ اس کو 2 پر یا 3 پر ملا تھا, 3% پر ملا تھا, دن رات ایک کرتا ہے سازشوں کے باوجود, دھرنوں کے باوجود, پلانٹڈ سازشوں کے باوجود, اور ملک کو 5.7 گروتھ ریٹ پر لے جاتا ہے ماشاءاللہ. اور اب جو رو رہے ہیں نا کہ گرے لسٹ میں چلا گیا, بلیک لسٹ میں چلا گیا, تو یاد رکھنا یہ نواز شریف ہی تھا جس نے سینے پر ڈان لیکس جیسی جھوٹی تہمت سہی لیکن پاکستان کو ساٹف کی گرے اور بلیک لسٹ میں سے نکالا ماشاءاللہ. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ وہی نواز شریف ہے جس کو تم کہتے ہو لندن میں بیٹھا ہے, لیکن اس کو ہرانے کے لیے تمہیں ایجنسیز کو بھی بیچ میں جھونکنا پڑا, تمہیں تھیلے اٹھا کر بھاگنا پڑا, تمہیں آئی بی کو بیچ میں ڈالنا پڑا, تمہیں انتظامیہ کو ساتھ ملانا پڑا, تمہیں فاؤل پلے کرنا پڑا, تمہیں الیکشن کمیشن کے جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے ان کو اغوا کرنا پڑا, لیکن نواز شریف اللہ تعالی کے فضل و کرم سے پھر بھی جیت گیا. کیا سمجھ لیا تھا؟ کیا مکافات عمل کو بھول گئے تھے؟ رانا صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا کہ تکبر اللہ تعالی کی چادر ہے, اس کے بنائے ہوئے انسانوں کو یہ بالکل زیب نہیں دیتی. انگریزی کی کہاوت ہے پرائیڈ کمز بیفور فال, کہ جو تکبر ہے وہ آپ کی جو آپ جب نیست و نابود ہوتے ہیں تو تکبر پہلے آتا ہے. تو کیا سمجھ لیا تھا کہ مکافات عمل نہیں ہے؟ کیا مسلم لیگ نون اور نواز شریف کو بن خدا کے سمجھ لیا تھا؟ اور آج دیکھو, کہتے ہیں شرمندگی کے مارے, کہتے ہیں یہ کل جو سینٹ کا الیکشن ہوا, ہاری ہوئی شکلیں لے کر ٹی وی پر آ گئے, سر جھکے ہوئے تھے, غصے سے کانوں سے دھوئیں باہر نکل رہے تھے, اور ٹی وی پر آ کر کہہ گئے کہ پیسہ چلا. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا چاروں صوبوں میں جو تمہیں پے در پے ضمنی انتخابات میں شکست ہوئی, کیا وہاں بھی پیسہ چلا؟ ایک بات بتاؤں, اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا, سر جھکا کے عاجزی سے کہتی ہوں پیسہ نہیں چلا, مسلم لیگ نون کی ٹکٹ چلی ہے. ہاں جس کو تم کہتے تھے اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے, آج اسی کی ٹکٹ پر کی وعدے پر لوگوں نے مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا. الحمدللہ رب العالمین, بولو اللہ تیرا شکر ہے. اور پھر کہتے ہو کہ لوگ بک گئے, بھئی ان کو الزام کیوں دیتے ہو؟ تم نے اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو سوائے نالائکی نااہلی کا بوجھ ڈھونے کے, سوائے بدنامی شرمندگی اور رسوائی کے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو دیا ہی کیا ہے؟ وہ کیوں تمہارا آٹا چوری, چینی چوری, بجلی چوری, گیس چوری, مہنگائی کا بوجھ سر پہ اٹھائیں؟ ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے اپنے حلقوں میں, انہوں نے اپنے حلقوں میں جانا ہے, وہ بھی اپنے لیے اب سیاست کے نئے راستے دیکھ رہے ہیں. وہ سب جانتے ہیں, تمہارا ایم این اے بھی جانتا ہے, تمہارا ایم پی اے بھی جانتا ہے, تم بھی جانتے ہو کہ تم پہلی اور آخری دفعہ اقتدار میں لائے گئے ہو. اب تمہارا نہ کوئی مستقبل ہے, نہ تمہاری کوئی جماعت ہے انشاءاللہ تعالی. اور جن کو تم تین سال جن کو تم ملے نہیں, جن کو تم نے منہ نہیں لگایا, اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو تم نے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کیا, غرور کا سر نیچا,
आज दिन रात एक करके सेनेट इलेक्शन से पहले तुम उन सबको बुला बुला कर मिल भी रहे थे, खाने भी खिला रहे थे, उनके आगे हाथ भी जोड़ रहे थे कि अल्लाह का वास्ता मुझे वोट देना। एक मिनट, और याद रखना किसने कहा था इलेक्शन से दो तीन हफ्ते पहले कि शो ऑफ हैंड्स अगर ना हुआ तो ऑपोजिशन रोएगी, किसने कहा था? और आज कौन रो रहा है? जो शिकस्त पाकिस्तानी अवाम ने, कौम ने कल सेनेट के इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त देखी, वो शिकस्त इमरान खान को और तहरीके इंसाफ को पहले दिन नजर आ गई थी, और वो जान गया था कि वो हार रहा है, उसके लोग दौड़ रहे हैं। इसीलिए ओपन बैलेट और ईसीपी से राय मांगना और सुप्रीम कोर्ट को घसीटने की कोशिश करना, रेफरेंस बनाकर भेजना, ऑर्डिनेंस लेकर आना, ये बातें यूं ही नहीं थी। नजर आ रहा था कि रेत हाथों में से फिसल रही है। और फिर ये तो हाल है, नवाज शरीफ ने अल्लाह ताला की ताकत और अवाम की ताकत पर इन्हसार किया, नवाज शरीफ जीत गया। तुमने एक पेज पर इन्हसार किया, तुम हार गए। और ये हाल है तुम्हारा ये हाल है कि अपने बलबूते पर एक सेनेट की सीट नहीं तुम जीत सकते। और एक मिनट बेटा, और अब तुम्हें जमहूरियत याद आ गई है, अब अचानक तुम्हें जमहूरियत याद आ गई है। तुम्हारी जमहूरियत उस वक्त कंबल लेकर कहां सो रही थी जब रातों रात ये जो जनूबी महाज पार्टी बनती है, मुस्लिम लीग नून का 2018 का इलेक्शन चोरी होता है, वोट चोरी होता है, उस वक्त तुम्हारी जमहूरियत कहां सो रही थी? उस वक्त तुम्हारी जमहूरियत कहां सो रही थी जब रातों रात एक बलोचिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट खत्म करके वहां पर रातों रात मां बाप पार्टी बन जाती, उस वक्त तुम्हारी जमहूरियत कहां सो रही थी? और उस वक्त तुम्हारी जमहूरियत कहां सो रही थी जब मरहूम हासिल बजेंजो साहब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे थे, और जो अपोजिशन की जमातें हैं वो ज्यादा तादाद में होने के बावजूद तुमने सेनेट का पूरा इलेक्शन अपने सिलेक्टर्स के साथ मिलकर चुरा लिया, उस वक्त तुम्हारी जमहूरियत कहां सो रही थी? सिलेक्टर्स के साथ मिलकर आते हो, जमहूरियत पर डाका डालते हो, अवाम के वोट पर डाका डालते हो, और फिर जमहूरियत का रोना रोते हो। बस बैठ जाओ और फिर बात सुनो। और फिर अब तुम्हें नवाज शरीफ का बयानिया याद आ गया, अब कल से कह रहे वोट को इज्जत दो, अब ये भी नवाज शरीफ के बयानिए पर आ गया है। लेकिन वोट को इज्जत देने के लिए तुम्हें पहले लोगों से, पाकिस्तानी कौम से हाथ जोड़कर उनके वोटों पर डाका डालकर 2018 का इलेक्शन चुरा के आने पर तुम्हें पहले पाकिस्तान के अवाम से माफी मांगनी पड़ेगी। और अब कहता है एक सेकेंड, और अब कहता है तमाद का वोट लूंगा। भाई जिनको तुम कह रहे हो कि वो बिक गए, वो पैसे से खरीदे गए, किस मुंह से आज अपने लोगों से एतमाद का वोट मांगोगे? फिर कहता है मैं एतमाद का वोट नहीं मांगूंगा तो असेंबली तोड़ूंगा। असेंबली तोड़कर अवाम में वो जाता है जिसने अवाम की खिदमत की हो, जिसका नाम है नवाज शरीफ, जिसने अवाम की रोटी चोरी की हो, अवाम को महंगाई के बोझ तले दफना दिया हो, जिसने अवाम की चीनी चोरी की हो, जिसने अवाम का आटा चोरी किया हो, जिसने अवाम की गैस चोरी की हो, जिसने अवाम की बिजली चोरी की हो, जिसने अवाम के मैंडेट पे डाका डाला गया हो, वो अवाम के पास नहीं जाया करता, उसका तो सिर्फ अवाम मुहासबा और मुहासरा किया करती है। और
अगर एतमाद का वोट लेने जाते हो, अवाम का वोट लेने जाते हो, तो मैं तुम्हारे अराकीन से ये कहना चाहती हूं कि तुम्हारे लोग तुम्हें वोट एतमाद का वोट देने से पहले जरूर ये सोचेंगे कि सिर्फ तुम्हें नेशनल असेंबली में से एतमाद का वोट नहीं लेना, जो चारों सूबों में तुम चारों शाने चित हुए हो, अवाम ने हर बाय इलेक्शन में तुम्हें उठा के बाहर फेंका है, उनका एतमाद कहां से लेकर आओगे? और मैं इनके अराकीन को ये कहना चाहती हूं कि इस आटा चीनी बिजली गैस वोट चोर के हाथों अब और इसके जराइम में शरीक ना हो, बिल्कुल ना हो, वरना जब आप इलेक्शन में अपने हलकों में जाओगे तो अवाम आपका मुहासरा करेगी, आपका मुहासबा करेगी। अब आगे इसके लिए इमरान खान के लिए एतमाद का वोट लेता है तो आगे क्या कहते हैं उसको, आगे गड़ा है पीछे खाई है, कुछ नहीं कर सकता इंशाअल्लाह ताला। और फिर आखिर में, बहुत टाइम ले लिया, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूं कि मैं आपसे ये, मुझे हाथ उठाकर जरा जवाब देना, क्या आप आटा चोरों को भागने दोगे? क्या तुम वोट चोरों को भागने दोगे? क्या आप गरीब मरीजों से उनकी दवाइयां छीन लेने वाले को भागने दोगे? क्या आटा बिजली गैस और पेट्रोल बम गिराने वालों को भागने दोगे? दसका में गोलियां बरसाने वालों से, अवाम पर गोलियां बरसाने वालों से हिसाब लोगे? क्या पूरे मुल्क से इस वोट चोर को भगाओगे? और आप ये भी बता दो, आज इतनी मुसीबतें उठाने के बाद कौम किसको याद कर रही है? आज कौम को किसकी जरूरत है? आज पाकिस्तान को किसकी जरूरत है? आज मजदूर को किसकी जरूरत है? आज किसान को किसकी जरूरत है? आज ताजिर को किसकी जरूरत है? आज मरीज को किसकी जरूरत है? आज तालिबे इल्म को किसकी जरूरत है? आज सनतकार को किसकी जरूरत है? आज कश्मीर को किसकी जरूरत है? आज पूरे पाकिस्तान को किसकी जरूरत है? इंशाअल्लाह ताला मैं मुस्लिम लीग नून के कारकुन को, उसके वोटर को ये बता देना चाहती हूं कि आने वाला वक्त, आने वाला इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और शेर का है इंशाअल्लाह ताला। तो अब एक मिनट, अब दसका को भी मैं ये मैसेज देना चाहती हूं कि अगले बाय इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला दसका में ही इन वोट चोरों की कब्रें बना देना। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। और अब कायदे मोहतरम तकरीर करेंगे, हम सब बहुत खामोशी और डिसिप्लिन से बैठ के सुनेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग नून का हर वोटर, मुस्लिम लीग नून का हर कारकुन, मुस्लिम लीग नून का हर रहनुमा, और मेरे शेर जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, हमजा शहबाज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।